किस लिए ज्ञापन दिया आपने? ज्ञापन दिया हमने, हमारे पास भी प्रमाण है कि हमारे हस्बैंड, हमारे पति और हमारे देवर जी घर पे थे, और हमारे हस्बैंड हमारे बंगले पे थे, हम जहाँ रहते हैं गौपुरा में, और इसका प्रमाण मेरे पास भी है और पुलिस के पास भी। ऐसा नहीं कि पुलिस के पास नहीं, कि ये दोनों लोग और हताकि श्री राम शर्मा, ये तीनों लोग घटना पर नहीं हैं भाई। ये लोग भी निकलवाएं जिन लोगों के घटना स्थल पर इनके पास फुटेज पाए गए हैं, इनके पास प्रमाण है, और जो घटना जहाँ पर हुई है उधर चौरसिया जी का जो क्रेशर लगा हुआ है, जो भी उनका है, उधर भी कैमरा लगे, कहाँ गए वो कैमरा, क्यों गोल कर दिए गए, वो कैमरों से छेड़छाड़ की गई, साक्ष्य क्यों छुपाए जा रहे हैं भाई, उससे तो पूरा प्रमाण होगा घटना पर कौन है। ये सब कुछ जानते हैं, क्षेत्र की जनता जानती है, पूरा मध्य प्रदेश जानता है कि सच्चाई क्या है, पर जानते हुए भी अनजान बना जा रहा है। मेरा भी हृदय से, मैं भी चौरसिया परिवार के साथ हूँ, और मैं भी चाहती हूँ कि जो दोषी हैं उनके लिए कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। पर इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी मतलब नाम लिखाए किसी का भी, निर्दोष परिवारों को भी बर्बाद किया जाए, उनका परिवार फंसाया जाए, ऐसा नहीं है, ये गलत है। और मेरा पुलिस प्रशासन से निवेदन है, सबसे निवेदन है कि आप इसकी उच्च स्तर पर जाँच करवाई जाए, और जो इसमें दोषी पाए जाएं आप बिल्कुल उसमें दंड दिया जाए। हाँ, अगर हमारे हस्बैंड और देवर 20 किलोमीटर दूर तक उनका नाम और निशान भी पाया जाता है तो मैं अपने पद से इस्तीफा देने को तैयार हूँ, और मुझे भी जेल में डाल दिया जाए। मैं इतना बड़ा तो बोलती हूँ कि मेरा भी नाम लिख लिया जाए, फिर अगर मेरे पति 20 किलोमीटर दूर तक या मेरे देवर का कोई भी जरा सा भी सुराग पाया जाए तो किसी को कोई जानकारी नहीं है, ये झूठा प्रकरण फंसाया जा रहा है मुझे, मेरे देवर को, मेरे पति को, और दूसरी बात जनता पूरे मध्य प्रदेश की मुझे पसंद कर रही, दमोह जिले की तो छोड़ो, सबको उम्मीद है मुझसे। ये कांग्रेस बीजेपी के जो लोग हैं इन्हें सहन नहीं हो रहा, ये रोज एक न एक नाटक कर रहे, नौटंकी कर रहे, और सच्चाई तो ये है कि जो इनके साथ में प्रदर्शन कर रहे हैं चौरसिया परिवार के, क्या वास्तव में इनको हृदय से दुख है क्या, उन लोगों का चौरसिया जी का हृदय से दुख, या सिर्फ नौटंकी कर रहे, राजनीतिक रोटी सेंक रहे, अपने लोकसभा चुनाव आ रहा उसी के चलते ये सब हो रहा है। पर मेरा निवेदन है उन नेताओं से कि किसी के मरने पर इतनी अपनी रोजी रोटी मत सेंको, किसी के दुख को समझो, और उस दुख को समझो जिसको निर्दोष परिवार को फंसाया जा रहा है। सीधे जज बन गए नेता तो, कि अभी के अभी इनको सजा दी जाए, अभी के अभी फांसी पे लगाया जाए। अरे राजनीति छोड़ के जज के कुर्सी पे बैठ जाओ ना भाई, क्यों राजनीति कर रहे हो? न्याय के लिए किस हद तक जाएंगे? न्याय के लिए मैं आमरण अनशन पे बैठूंगी विधानसभा के सामने, अगर लोकसभा चुनाव हम जीत रहे, हमारी देवरानी लोकसभा चुनाव जीत रही, ये हजम नहीं हो रहा दोनों पार्टियों के लिए, इसीलिए ये प्रकरण रचाया गया, मेरे हस्बैंड को, मेरे देवर को फंसाया गया। पर ये गलत है, मुझे शासन पर विश्वास है, पुलिस प्रशासन पर विश्वास है कि ये गलत नहीं करेंगे, क्योंकि मैं खुद, मुझे विश्वास है और ईश्वर पर विश्वास है कि अब जब मेरे परिवार के मेरे पति देवर है ही नहीं है तो कैसे फंस सकते भाई, कुछ सच्चाई ईश्वर भी तो देखती, और मुझे विश्वास है मैंने कभी किसी के साथ आज तक गलत नहीं किया, मैंने कभी मंचों से तक झूठ नहीं बोला जनता के प्रति, आज तक मैंने सच्चाई की लड़ाई लड़ी है, हर क्षेत्र में मैं जनता के साथ खड़ी रही हूँ, तो मुझे विश्वास है और जनता मेरे साथ है, ये मुझे विश्वास है, क्योंकि जनता भी जानती है कि झूठा प्रकरण है, झूठा फंसाया जा रहा है।